Good morning students. Welcome again here in this video tutorial. Myself Nashima Khan and students as you all of you know that I am explaining chapter number 4 of class 7 civics growing up as boys and girls. Students in this chapter we are learning about gender discrimination and how the societies value men and women differently, how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women, and you know how inequalities between men and women emerge in the area of work. But as you know, that I have already explained. Half of the chapter in my previous video tutorial, "Growing Up as Boys and Girls Part One," where I have covered some topics also, growing up in Samoa in the nineteen twenties, growing up male in Madhya Pradesh in the nineteen sixties, and valuing housework. Which topic? Valuing housework. डोमेस्टिको वट मैनी होम्स परटिकुलर इन टाउंस एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स आपके डोमेस्टिक वर्कर्स रखे जाते हैं हाउस होल्ड वर्क की हेल्प के लिए इवन इन टाउंस ऑल्सो इवन इन सिटीज ओ डोमेस्टिक वर्कर्स डू हाउस होल्ड वर्क इन द हाउसेज दे डू अलॉट ऑफ वर्क स्विपिंग वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज कुकिंग लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रेंड ऑल दो एडरली वो घर का सारा काम करते हैं स्विपिंग करते हैं क्लीनिंग करते हैं वॉशिंग क्लोथ डिशेज कुकिंग एंड यू नो यंग चिल्ड्रेंड और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं एल्डरली उनका भी ध्यान रखते हैं एंड यू नो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स क्या होते हैं आपके वुमेन होते हैं सम टाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क मैनी हाउसेस में पता है क्या होता है कि समटाइम्स होते हैं कि यंग गर्ल्स और बॉयज को भी वर्क के लिए रख लिया जाता है देर वर्किंग आवर्स टू लॉन्ग उनकी वर्किंग आवर्स जो होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं इवन ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स वो करते हैं दे आर नॉट ट्रीटेड वेल उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता एंड दे आर पेड वेरी लेस सैलरीज उनको बहुत कम सैलरीज दी जाती हैं एंड यू नो वेजेस आर लो यस एज डोमेस्टिक वर्कर डज नॉट हैव मच वैल्यू उनकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा घर में उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता जिस घर में वो वर्क करते हैं अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज फाइव इन द मॉर्न मॉर्निंग एंड एंड एज लेट एज ट्वेल्व एट नाइट बहुत मॉर्निंग आप सोच लीजिए आप तो फाइव ओ क्लाक मोस्टली बहुत से बच्चे सो के भी नहीं उठते बट वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उन्हें एट अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और लेट नाइट इवन कभी कभी उन्हें बारह बज जाते हैं तब तक उन्हें वर्क करना पड़ता है एंड डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू देयर एम्प्लॉयस ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट और उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती बेटा डोमेस्टिक वर्कर्स यस डज़ नॉट हैव मच वैल्यू उनकी कोई वैल्यू नहीं होती सो देयर जॉब इज़ नॉट रिस्पेक्टेड बाय अदर एंड यूनोवर्ट बेटा उनसे कभी कभी तो बहुत फिजिकल वर्क भी किया जाता है. Just like a number of tasks जाते हैं उन्हें है. आपने देखा है चाहे रूलर एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो वुमेन क्या करती है फैच वॉटर करने जाती है ये इन रूलर एरिया वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड ऑफ फायर वुड एंड

द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिपेंडिंग वर्ड्स डेट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन वुमेन को इतना वर्क करना पड़ता है कि अगर वुमेन एक हाउस होल्ड वर्क कर रही है चाहे वो एज अ डोमेस्टिक वर्कर कर रही है तो वो वहाँ जाके तो वर्क करके आती ही आती है बट आपने देखा है रूरल और अर्बन एरियाज में भी आपने देखा होगा कि अगर एक वुमेन अपने घर का भी वर्क कर रही है तो उसे वहाँ भी काफ़ी फिजिकल वर्क करना पड़ता है इवन आपने देखा होगा कभी जो गांव की लेडीज़ होती हैं जो आपकी मतलब विलेज की लेडीज़ होती है सम टाइम्स तो वो वाटर ब्रिंग करके लाती है कितने हैवी हैवी उनके पास काफ़ी वो होते हैं मटका यू कैन से दैट कि अपने सर पे रखना आपने मोस्टली देखा होगा बहुत दूर चल के जाती हैं वहाँ से पानी लेके आती है वाटर की इवन वो फैच भी करती हैं एंड देन आफ्टर दिस लकड़ियाँ रख के फायरवुड लेके आती हैं फायरवुड जो होती हैं अपने सर पर रख के आपने देखा होगा तब वो स्टोव्स लॉन्ड हॉट स्टोव्स के सामने आर्स खड़ी रहती है फ्रंट ऑफ क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है तो उसको खाना बनाना फिर घर का सारा काम करना कितने वर्क हो जाते हैं एक वुमेन के लिए अपने घर में करने के लिए एंड यू नो अनदर रिस्पेक्ट ऑफ house work and care giving that we do not recognize in that it is very time consuming काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है बेटा आपने अपनी मदर को देखा होगा एट अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाती है मदर को देखा है हैव यू सीन पूरे घर का ब्रेकफास्ट करना पूरे घर की साफ़ सफाई स्विपिंग क्लीनिंग, सब चीज़ आपकी मदर अकेले करती है आपको स्कूल जाना होता है आपका लंच बॉक्स आपके फादर जॉब पे जाते हैं उनका लंच बॉक्स घर में ग्रैंडफादर होते हैं घर में ग्रैंड मदर होती हैं उनकी केयर करना होल डे एक वुमेन वर्क में लगी रहती है सो इन फैक्ट इफ़ यू एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम अगर हम बात करें एक वुमेन हाउस वर्क भी कर रही हैं उसके साथ वुमेन आउटसाइड भी करती है घर के बाहर भी काम करती है वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मेन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेसर आपने देखा है कि मोस्टली वुमेन जो है आज के टाइम पे वर्किंग भी है अपने हाउस होल्ड वर्क भी वो पूरे करती हैं वुमेन आपकी भी पूरी केयर करती है घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी पूरी केयर करती है एंड साथ साथ वो बाहर जॉब भी करती है सो so, उनके लिए सोचिए जस्ट थैंक बेटा डबल वर्क हो गया इवन हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो एंड इवन आउटसाइड द होम ऑल्सो नाउ स्टूडेंट जस्ट लुक एट यस स्टडी डन बाई सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन नाइनटीन नाइनटी एट एंड नाइनटीन नाइन्टी नाइन सो यह आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक डाटा है सो स्पेशल स्टडी डन हुई है ये वे नाइनटीन नाइनटी एट नाइनटी नाइन बात करें तो जिस लोग कहते हैं यहाँ ट्वेंटी थ्री एंड तमिलनाडु नाइनटीन एंड वुमेन अनपेड हाउस वर्क आर्स पर वीक हाउस में कितना अनपेड उन्हें कुछ पे नहीं होता थर्टी टू थर्टी फाइव मैन में देखिए वर्क जो करते हैं वो पर वीक थर्टी एट टू फोर्टी एंड अनपेड हाउस में तो मोस्टली मैन कुछ वर्क करते ही नहीं है मोस्टली वर्क तो आपने देखा है कि घर में आपकी मदर ही करती है आपने फादर को वर्क करके देखा है थोड़ी बहुत हेल्प कर दें वो उनके ऊपर डिजर्व करता है कि वो किस तरह हेल्प करना चाहते हैं बट सारा वर्क तो आपकी मदर ही करती है सो जस्ट लुक एट द कंपेरिजन बिटवीन मैन एंड वुमेन किसका आपको ज़्यादा है मैन का यस yes. वर्क आप पर? सो यू कैन सी दैट डबल बर्डन है वुमेन पे वुमेन पे क्या है आपका डबल बर्डन है होम डबल बर्डन हो गया वुमेन पे वो घर में भी उतना वर्क कर रही है पूरा हाउस होल्ड वर्क कर रही है आपकी केयर कर रही है सारे फैमिली मेंबर्स की केयर कर रही है और साथ साथ outside the home we work career, so it means double burden so student now let's come here our next topic women's work and equality as we have seen the low value attached to women household and caregiving work is not an individual or family matter it is a part of larger system of inequality between मैन एंड वुमेन ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि सिर्फ फैमिली में ही हो गया आपका वहीं आपका मैन एंड वुमेन को इनक्वलिटी मिल रही है बट ये पूरा एक लार्ज सिस्टम का मैटर है इट देयर फोर हैज टू बी डी डेल्ट विथ थ्रो एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट अब इट्स गवर्नमेंट ऑल्सो गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इस वर्क को देखें

इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पता है प्रिंसिपल है और हमारा क्या कहता है रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन इन रियलिटी इन इक्वेलिटी बिटवीन द सेक्सिस्ट एक्सिस्ट द गवर्नमेंट इज देर फोर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं ताकि हमारी मैन और वुमेन में इनइक्वेलिटी ना हो क्योंकि हमारा इक्वलिटी है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है नाउ स्टूडेंट जस्ट लुक एट गवर्नमेंट स्टेप्स फॉर इक्वैलिटी यानी कि गवर्नमेंट ने इक्वल करने के लिए इक्वलिटी करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स किए हैं आपके यस द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए हैं इन सेवरल विलेजेस इन आर कंट्री यस गवर्नमेंट गिव्स रिजर्व सीट फॉर वुमेन गवर्नमेंट ने रिजर्व सीट दी है वुमेन को इट मीन्स आपको पता है द गवर्नमेंट हैज पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट देन थर्टी वुमेन एम्प्लॉय टू प्रोवाइड क्रेस फैसिलिटीज यानी कि वुमेन को भी एक रिजर्व सीट दी गई है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेडेटरी किया गया है कि वो पूरी उसको फैसिलिटी मिले और वो वहां वर्क करे और उसको अच्छे से जॉब मिले गवर्नमेंट लॉन्च द महिला शक्ति केंद्र इन 2017। गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है महिला शक्ति केंद्र करके स्कीम वेन इन 2017। थाउजेंड so, सो क्या प्रमोट करने के लिए इट प्रमोट स्किल डेवलपमेंट लिटरेसी हेल्थ एंड न्यूट्रेशन सो ये जो महिला शक्ति केंद्र इन 2017 में लॉन्च हुई है उसको वो क्या प्रमोट करा स्किल डेवलपमेंट लिटरेसी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन यानी कि वुमेन को भी पूरी लिटरेसी मिले पूरी हेल्थ एंड न्यूट्रेशन मिले और स्किल डेवलपमेंट हो सो स्टूडेंट दैट्स इट थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे अहैंड